नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। ये एनालिसिस आने वाले वीक के लिए 12th जून से लेकर फ्राइडे तक, मतलब मंडे से फ्राइडे के लिए वैलिड रहेगा। आप लोग इस एनालिसिस को यूज करने के पहले अपना एनालिसिस करना मत भूलना। जब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओ और अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, तभी ट्रेडिंग करना। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, तो देखो निफ्टी में मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ में एनालिसिस शेयर करा था, और वो एनालिसिस बाय द वे बहुत ज्यादा अमेजिंगली परफॉर्म किया। हम लोगों ने बात करी थी मार्केट अगर 18600 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आएगा। इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी अपलोड करके मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ये बड़ा मोमेंटम आप लोग कैच कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो कर लेना, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। एनीवेज, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में ऊपर की तरफ से बहुत हाई सेलिंग प्रेशर है, और वो सेलिंग प्रेशर इवेंचुअली हम लोगों को मार्केट में देखने को मिला थर्सडे और फ्राइडे को। मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली करी थी वेंसडे को, बट थर्सडे को ओपन होके भी थोड़ा ऊपर गया, बट 18770 मतलब लगभग 18800 के आसपास से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी मार्केट को, और वहां से रिवर्स करके नीचे आ गया। नाउ ये नीचे तो आ गया, ये नीचे आके ऊपर चला जाता कोई इशू नहीं था, बट इसने जिस लेवल को ब्रेकआउट देकर रैली करा था वो लेवल को ही नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। इनफैक्ट अगर ये केवल गैप फिल करके भी ऊपर चला जाता तो भी हम लोग अप ट्रेंड को कंसिडर कर सकते थे, बट अब ये एक फेक ब्रेकआउट की सिचुएशन बन गई है, जो हमको एक चीज सोचने पर मजबूर करता है, वो मैं आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर लाकर दिखाता हूं। तो अगर हम लोग यहां से 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो आप लोगों को यहां पर एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा फेमसली कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एच एंड एस। ये पैटर्न क्या दिखाता है, एक रेजिस्टेंस, उसका फेक ब्रेकआउट, और फिर एक और शोल्डर बनता है उसी रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस लेता हुआ। अब यहां से आपका क्या एक्शन प्लान रह सकता है वो हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्विंग ट्रेडर्स की, जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। तो यहां पर देखो यार, ये काफी ज्यादा क्रूशियल ट्रेंड लाइन है, आई होप आप लोगों को भी दिख रही होगी। ये जो ट्रेंड लाइन है, दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, यही वो ट्रेंड लाइन है जो मार्केट को ऊपर की तरफ रोक सकती है। अगर ये टूटती है तो डाउनसाइड में आपको लगभग 150 से 200 पॉइंट का टारगेट इंट्राडे में आराम से मिल सकता है इन निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। और अगर ये लेवल भी नीचे चला जाता है, दिस लेवल, दिस इज 18456, तो आपको और ज्यादा नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा आप लोगों को 18200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं कमिंग वीक के अंदर। बहुत बियरिश हो सकता है मार्केट। सो व्हाट कैन यू डू, देखो अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, मंडे को इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, देयर इज अ चांस, आई हैव अ गट फीलिंग कि ये यहां से एक बार ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देगी। अगर नहीं जाता है तो वो सेकंड केस है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ऊपर जाता है, आपके लिए दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला विच इज 18634 और एक ये वाला विच इज 18599। इन दोनों में से किसी भी लेवल से अगर रिवर्सल देता है और फिर ये वाला जो लो इसने बनाया था ट्रेंड लाइन को टच करके इसको ब्रेक कर देता है, आप लोग यहां पर शॉर्ट एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका यहां का रहेगा, सेकेंड टारगेट ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन को ब्रेक करता है तो थर्ड टारगेट ये रहेगा, एंड देन इवेंचुअली आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने फर्दर टारगेट्स बहुत इजीली सेट कर सकते हो, और पूरे वीक में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते एक बड़े टारगेट के लिए आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ये बात कर ली हम लोगों ने डाउन साइड की। अब हम लोग बात करते हैं अगर सीधा ऊपर जाए बिना ही नीचे आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो। इस केस में यार देखो, ये लेवल आपका एंट्री लेवल रहेगा, मिनिमम यू शुड वेट टिल दिस लेवल, और जैसे ही इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है आप शॉर्ट करोगे फॉर दिस टारगेट, दिस इज व्हाट 18491। अब यहां पर रिस्की ट्रेड होगा। ये रिस्की क्यों होगा, बिकॉज लुक एट दिस जोन, ये जोन हमको दिखाती है बहुत हाई वॉलेटिलिटी, यहां पर बहुत ज्यादा सपोर्ट है। इस जोन से मार्केट हो सकता है बीच में से ही पलट जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, आपको टारगेट ना दे, तो मैं अभी बता रहा हूं इस जोन में आप लोगों को केयरफुल रहना है। हां, अगर ये लेवल ब्रेक कर देती है
दिस लेवल, उसके बाद में आप लोगों को ये ब्लैक लाइन तक का विच इज समवेयर अराउंड 18453 तक का इजी टारगेट मिलेगा, ब्लैक लाइन के बाद में 18418 का इजी टारगेट मिलेगा, और उसके बाद जैसा मैंने बताया इवेंचुअली आप अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। अब यार ये सारी चीजें कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं, हाउ डू आई नो कि मार्केट कहां तक जा सकता है, आई डोंट नो कि मार्केट कहां तक जा सकता है बट आई कैन एनालाइज कि मार्केट कहां तक जा सकता है, वो सब कुछ हम कर पाते हैं बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। इफ यू डोंट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, मैक्सिमम जो लोग ट्रेडिंग सिखाते हैं वो ट्रेडर्स को जो बिगिनर्स होते हैं उनको मार्केट स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस नहीं बताते। आपके लिए जब भी एनालिसिस करने बैठो आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि पहले आप स्ट्रक्चर समझो कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मार्केट किसी लेवल के ऊपर गया और वहां से नीचे आ गया तो ऐसा क्यों हुआ, और जब ऐसा हुआ तो मार्केट में किस टाइप का स्ट्रक्चर बना, बायर्स और सेलर्स की क्या पोजिशंस होंगी मार्केट के अंदर, वो सब कुछ एनालाइज करने के बाद में आप एक्यूरेट लेवल्स मार्क कर पाते। So anyways, ये तो एक pep talk थी आप लोगों के लिए। Now let's come back to the topic analysis। यहाँ से ऊपर कब जा सकता है market? तो देखो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मैं यही बोलूँगा बड़े trades आप सिर्फ तब लोगे जब market इस level को break करेगा। अगर आप swing trader हो तो I don't think आप लोगों को बड़े trades लेने चाहिए जब तक market इस level को break नहीं करता। What you can do is जैसे ही मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करता है, दिस इज द फर्स्ट लेवल राइट, इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट और ये लेवल्स क्या है वो आपको नीचे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो लिंक पे क्लिक करके यू कैन चेक दीज लेवल्स, नंबर्स क्या क्या है वो सब आप लोग देख पाओगे। सो एनीवेज यहां से ब्रेकआउट आता है तो आप पहला टारगेट अपसाइड में इस लेवल का रखोगे। इसको ब्रेक करता है तो यार सिंपल है, यहां पर हमको दिख रहा है यार ये प्राइस एक्शन का लेवल आ रहा है 18672, ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा, फिर ये मेरा एक टारगेट आ रहा है, इस तरीके से ट्रेल करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ना। हाँ अगर आपको लगता है यार अब मोमेंटम पकड़ा है तो आप अपनी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं, आप क्वांटिटी ऑलवेज ऐड क्वांटिटी ना प्रॉफिटेबल ट्रेड, पैसा कमा रहे हो क्वांटिटी बढ़ा दो, लॉस नहीं होगा, रिस्क थोड़ा सा जो प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है वो थोड़ा सा रिस्क पर जाएगा बट यू वोंट मेक एनी लॉसेज इफ यू आर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेक्टली। तो अपसाइड में तो मैं यही बोलूंगा, हाँ अगर इसके भी ऊपर चला जाता है तो आई प्रॉमिस यू ऑल मैं एक वीडियो बना करके आपको स्पेसिफिकली इसी वीक के अंदर अगर जाता है तो मार्केट एनालिसिस बना दूंगा और आपको समझा दूंगा कि आप अब क्या आपका एक्शन प्लान रह सकता है, बिकॉज दैट लुक्स लाइक अ लॉन्ग स्टोरी, लगभग 200 पॉइंट का डिफरेंस है अभी और काफी ज्यादा वीकनेस हम लोगों को इस एरिया के अंदर दिख रही है। ऑलराइट, तो ये हुई बात निफ्टी के बारे में, निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ फॉर स्विंग ट्रेडर्स। अब आ जाते हैं भाई हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। देखो इंट्राडे ट्रेडर्स लेवल सबके लिए सेम होते हैं बिकॉज मार्केट हर लेवल से रिवर्सल लेता है, आप लोगों के लिए हर एक लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट का पुलअप है ना, सॉरी ये जो मार्केट ने जो पुल बैक लिया है ये आपका स्टॉप लॉस हिट करने की ताकत रखता है। स्विंग ट्रेडर के लिए ये कुछ भी नहीं है, स्विंग ट्रेडर को इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए बस ये कैंडल है, दिस इज जस्ट वन कैंडल बट फॉर यू दिस इज अ कंप्लीट पुल बैक। तो आपके लिए ये लेवल्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इन लेवल्स पर एक ही बात का ध्यान रखना है, जैसे जैसे मार्केट इन लेवल्स के आसपास से मूवमेंट करता रहे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। प्लान ऑफ एक्शन आपका भी सेम रहेगा, अगर मार्केट लेट से पहले बात करते हैं गैप अप की, गैप अप ओपन होता है लेट से इस लेवल पर, तो ये लेवल ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, व्हाट कैन हैपन, इट विल क्रिएट अ ओपन हाई कैंडल, मतलब सीधा ओपनिंग के साथ ही नीचे आना शुरू कर देगी कैंडल, एंड जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है या फिर ये लेवल ब्रेक करता है आप लोग यहां पर अपनी शॉर्ट एंट्री लेकर के इस टारगेट के लिए जा सकते हो। बट अगेन जैसा मैंने स्विंग ट्रेडर्स को कहा था ये जोन थोड़ा रिस्की है तो अपना एनालिसिस कर लेना एंड मेक श्योर यू ओनली एंटर व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रेड। ओके, हाँ नाउ सेकंड केस, यहां पर क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आता है, ट्रेंड लाइन छूता है, सपोर्ट लेता है, हो सकता है एक इसका इस लेवल का एक फेक ब्रेकआउट भी आए। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन लगभग 3 कैंडल दूर है इस लेवल से, लेट्स कैलकुलेट ना, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, इस कैंडल से अगर हम देखें कि ट्रेंड लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, आई एम सो सॉरी, हम्म,
तो यहां से लगभग लगभग आप मान के चलो 18 बार्स, मतलब दो दिन का टाइम है, हो सकता है आप लोगों को इस लेवल का एक फेक ब्रेकआउट देखने को भी मिल जाए, मतलब मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाए बट इवेंचुअली ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले ले, तो उसके लिए रेडी रहना, उस केस में एंटर मत करना, ठीक है, वेट फॉर द ट्रेंड लाइन टू ब्रेक। नाउ यहां से नीचे आता है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, यहां तक भी आ सकता है, एंड देन व्हेन इट कम्स डाउन, यहां से जैसी रिवर्सल लेता है, किस टाइप का रिवर्सल, जैसा रिवर्सल यहां पर आया, कोई शूटिंग स्टार बनता है या फिर कोई इवनिंग स्टार बनता है, किसी भी टाइप का पैटर्न, बियरिश रिवर्सल पैटर्न स्ट्रॉन्ग मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, याद रखना है चीज, तो ही आप रिवर्सल एंट्री लोगे। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5, इंट्राडे में सारे हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है मार्केट अगर मोमेंटम आ गया तो। नाउ आई होप आप लोग यहां तक समझ गए हो, गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो देखो एक चांस ये है कि मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले, क्यों, जस्ट हैव अ लुक एट दिस होल एरिया, ये काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला एरिया है, लुक एट दिस एरिया, ये एरिया में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो अच्छा खासा चांस है अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है तो हम लोगों को यहां से एक अपसाइड की कैंडल मिल सकती है गैप फिलिंग की, और फिर रिवर्सल आ सकता है, तो आप अगेन यहां पर रिवर्सल का ट्रेड आप इजीली एग्जीक्यूट करके टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 के लिए सेम एज प्लान जा सकते हो। फ्लैट ओपनिंग होती है तो एनालिसिस हमारा सेम ही रहेगा लेवल्स के मामले में। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ गया, डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है क्या करना है। अब ऊपर अगर निकलता है यहां से तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट फॉर दिस ब्रेकआउट, ठीक है, मिनिमम आपको वेट करना है मार्केट 18600 के ऊपर एक मजबूत क्लोजिंग दे। अब 18600 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद भी एक लेवल रहेगा जो आपकी बाधा बना रहेगा, 18625। जब तक 18625 नहीं टूटता तब तक अपने ट्रेड में बहुत केयरफुल रहना, अगर टूट जाता है तो हम लोगों को काफी इजीली 18640 का टारगेट मिल सकता है। 18640 का टारगेट मतलब लगभग हमें 20-25 पॉइंट एट द मनी ऑप्शन में आराम से मिल जाएंगे, तो आप लोगों के लिए दिस इज अ गुड ट्रेड इंट्राडे में, इट इज नॉट अ बैड ट्रेड, इट इज अ गुड ट्रेड। एंट्री कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये जैसे ही मूवमेंट आता है, फिर अगर ये ब्रेकआउट कर देता है देन योर टारगेट विल बी ऑफ दिस जोन, इस जोन को ब्रेकआउट करता है आपका टारगेट इस जोन का रहेगा, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो स्टॉप लॉस ट्रेल करना ना मेन की होती है, मैं इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैंने मेरी लाइफ में बेस्ट ट्रेड, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड जो मेरे रहे हैं जिसमें मैंने काफी हाई रिटर्न कमाया, वो इसीलिए क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है। यू वोंट बिलीव, मैंने यहां पे 18600 का कॉल बाय करा था, आई रिमेंबर लगभग 60-61 के आसपास यहां पर रेट थी, एंड आई एग्जिटेड ओवर हियर, ये सॉरी एक दिन पहले एग्जिटेड ओवर हियर, यहां पर मैंने एग्जिट करा। व्हाई? बिकॉज आई न्यू कि मेरे को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। जैसे ये ब्रेकडाउन आया पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ, ब्रेकआउट आया ऊपर वाला मेरा स्टॉप लॉस यहाँ, फिर ऊपर गया स्टॉप लॉस यहाँ, ऊपर गया स्टॉप लॉस यहाँ, एंड देन एग्जिट इवेंचुअली। तो ट्रेल करना की है, अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को जाने मत दो, ऐसी बड़ी रैलीज कैच करोगे तो ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो करेगा। ये दो दो कैंडल पे लोग एग्जिट कर देते हैं, मैंने देखा है दो दो कैंडल पे एग्जिट करने का क्या मतलब, बहुत छोटा मूवमेंट है, वेट फॉर द मार्केट टू गिव यू बिग टारगेट्स, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप समझ चुके हो आप लोगों को अपसाइड में भी क्या करना है बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर। ये हमने बात करी निफ्टी की, आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम जंप करने वाले हैं बैंक निफ्टी पर, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ लो, दो दिन है आपके पास, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हुए सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर आकर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बना रहा है यहां पर। तो बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो काफी ज्यादा बिगिनर्स के लिए कंफ्यूजिंग रहेगा, मतलब ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नया नया ट्रेडर समझ ही नहीं पाता कि यार मैं कितनी लाइनें बनाऊं, मैं लाइनें बना बना के परेशान हो जाऊंगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है ना, आप लोगों को ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहां पर मार्केट ने मूवमेंट किया है। मतलब क्या, जब भी आपको ऐसा दिखे, देखो मैं आपको एनालाइज, मैं अपना एनालिसिस तो कर रहा हूं, मैं आपको सिखा भी रहा हूं कैसे एनालिसिस करना है ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट बनो। नाउ जब भी मार्केट में मल्टीपल लेवल्स होते हैं तब आपका फोकस होना चाहिए कि आप वो दो लेवल्स के बीच में ऐसी जगह ढूंढो जहां पर मार्केट ने पहले ही मूवमेंट दिया है। ये जो बीच वाला एरिया होगा ना, इसी जगह पर चांसेस हैं नेक्स्ट टाइम भी ज्यादा मूवमेंट मार्केट करे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई एक्टिविटी होती है। नाउ इफ यू सी ओवर हियर,
ये एक ऐसा लेवल है जहां पर मार्केट ने हर बार बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट किया है। जब भी मार्केट इसके ऊपर गया, इस वाले लेवल को टच किया, ऊपर गया इसको टच किया, ऊपर गया इसको टच किया, नीचे आया तो देन इस लेवल को टच किया, इस लेवल के नीचे आया, इसको टच किया, इसको टच किया। इस तरीके से आप लोग इजीली एनालाइज कर सकते हो ऐसे केसेस में बीच के गैप्स। यहां पर देखो बड़े टारगेट्स आते हैं जब मार्केट ओवरऑल बड़ी रेंज को ब्रेक करता है, छोटे छोटे टारगेट्स भी आप यहां पर निकाल सकते हो बहुत आसानी से अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो। इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं बना सकता हूं आप लोगों के लिए वीडियो एक। एनीवेज, नाउ मूविंग ऑन, इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? तो देखो ये स्ट्रक्चर एक अप ट्रेंड की लाइन आ रही है, उस लाइन को काफी टाइम तक इसने सस्टेन करा, बट अब यहां पर क्या सिचुएशन बैठ रही है ना, जब भी देखो टच करता है एक नया हाई बनाता है, इस बार जब टच करा तो लोअर हाई बनाया। ये हमारा पहला इंडिकेशन है कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग सेलर्स हैं, क्योंकि हर बार देखो, अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां पर टच किया, ऊपर गया, नया हाई बनाया प्रीवियस हाई से, फिर नीचे आया, यहां पर टच किया, इस हाई से नया हाई बनाया, अब वापस इसको हाई बनाना था बट नहीं बना पाया, विच शोज वीकनेस एट द पार्ट ऑफ बुल्स, मतलब यहां पर बुल्स की कमजोरी हमको दिख रही है। व्हाट कैन वी डू ओवर हियर? हमारे देखो बहुत सिंपल है, मार्केट ने वो जो चीज निफ्टी में होने वाली है वो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन चुका है। आप लोगों को सिर्फ एक चीज करनी है, मंडे को देखना है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन दे देता है तो आप लोगों के ये मैंने तीन टारगेट सेट करे हैं, आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है आप इन पे काम कर सकते हो। दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय एनालिसिस, यहां पर मैं इन लेवल्स को देखते हुए ट्रेड करने वाला हूं। ऑलराइट, तो यहां से ब्रेकडाउन आता है, टारगेट वन मेरा ये रहेगा, टारगेट टू, एंड देन फिर ये एक बीच में मैंने जोन इसलिए बनाई है क्योंकि इस जोन से मार्केट हो सकता है टारगेट टू को टच करके पलट जाए या फिर एक रीटेस्ट के लिए चला जाए, ये बात ध्यान रखना। तो अगर रीटेस्ट के लिए जाएगा तो मैं क्वांटिटी ऐड कर लूंगा, अगर नहीं करता रीटेस्ट तो मैं यहां पर अपनी कॉस्ट पर 2-4 रुपए का लॉस लेकर के ऑप्शंस में एग्जिट करने में मेरे को कोई दुख नहीं है, बिकॉज मैं ये बड़ा टारगेट नहीं छोड़ूंगा इस डर से कि मेरा ये वाला प्रॉफिट छूट जाए, मैं डबल प्रॉफिट कर सकता हूं यहां पर। तो मैं अपने, ये मेरा एक्शन प्लान है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपका क्या एक्शन प्लान रहता है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहां पर काफी अच्छा हो जाएगा, जब मैं वापस से एवरेज करूंगा दिस वुड बी माय स्टॉप लॉस, मार्केट नीचे आएगा तो आई वुड बी ट्रेडिंग इन 1:5 1:6 इजीली। ओके, इफ यू सी ओवर हियर, यहां से मेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम कितने पॉइंट्स का बनेगा, दिस वुड बी समवेयर अराउंड 22-30 पॉइंट्स और मैक्स टू मैक्स 40 पॉइंट्स मान लेते हैं, और यहां से जो मूवमेंट है ये हमारा लगभग 150 पॉइंट्स के भी ऊपर हो गया, इनफैक्ट 200 पॉइंट्स के आसपास का हो गया, तो दिस इज एन अमेजिंग ट्रेड फॉर मी, आई विल नॉट मिस दैट। ओके, तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो। देखो बैंक निफ्टी में एंट्री का स्ट्रक्चर हमें सिंपली दिख रहा है, क्या मार्केट एंट्री किस एरिया से कैसे कर सकता है। नाउ गैप अप गैप डाउन के केस में आपको पता है ये जो लेवल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी, गैप डाउन ओपन होके ऊपर आता है, रीटेस्ट करके नीचे जाता है, अगेन दो एंट्री लेने की जरूरत ही नहीं है, एक एंट्री में मेरा काम हो जाएगा। गैप डाउन ओपन होके ऊपर आता है, गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी है इंस्टाग्राम पर अपलोडेड, उसको देखना और उसको अप्लाई आप यहां पर कर सकते हो। स्विंग ट्रेडर्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सॉरी इंट्राडे ट्रेडर्स की। गैप अप ओपन होता है तो ये पूरा का पूरा जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर यहां से एकदम से नीचे आता है एंड देन इसके लो को ब्रेक कर देता है आज की लास्ट कैंडल के लो को, तो बहुत बढ़िया से नीचे की तरफ ये मोमेंटम कर सकता है। तो आज हम लोगों ने ये बात करी 1 आवर टाइम फ्रेम पर, अब बात करते हैं हम लोग फ्लैट ओपनिंग के केस में आप क्या कर सकते हो। तो देखो फ्लैट ओपनिंग के केस में अगेन लेवल्स वही रहेंगे, दिस इसके ऊपर जाता है तो आप बाय करोगे, इसके नीचे जाता है तो आप लोग सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, एज सिंपल एज दैट। बैंक निफ्टी में बहुत टाइट रेंज बनी हुई है तो मैक्सिमम टाइम चांसेस ये रहेंगे कि ये साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा मूवमेंट करे साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा मूवमेंट करे साइडवेज हो जाए। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आप निफ्टी में काम करना चाहते हो या बैंक निफ्टी में। अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं निफ्टी प्रेफर करूंगा, बट हाँ अगर बैंक निफ्टी फॉर दैट मैटर 43,700 तोड़ देता है नीचे की तरफ तो मैं बैंक निफ्टी में ही काम करूंगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी बैंक निफ्टी के अंदर
बहुत अच्छे से आ सकता है, क्योंकि यहां से जो सीधा डायरेक्ट सपोर्ट बन रहा है 43,700 के बाद में, वो बन रहा है यहां पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,446। ये मेरा 300 पॉइंट का टारगेट है, इसको मैं मिस नहीं करना चाहता। ऑलराइट, अपसाइड की बात करें अगर हम लोग, तो अपसाइड में यार देखो, सबसे पहली चीज ये ब्रेक होगा ये टारगेट रहेगा, ये ब्रेक होगा ये टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहां पर लगा देना, ये ब्रेक होगा ये टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहां पे लगा देना। और अगर हाई ब्रेक करता है तो जैसा मैंने पहले कहा था, एक नया वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ऑल टाइम हाईस के आसपास आप कैसे काम कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने बात करी बैंक निफ्टी के लिए, ओवरऑल स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लेवल्स यहां पर सेम ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी टाइट रेंज में है। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है बैंक निफ्टी में तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिस केस में मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि बैंक निफ्टी अब एक सेंसिटिव लेवल पर आ चुका है। तो ये था एनालिसिस यार। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ्राइडे के ज्यादा, फ्राइडे से भी ज्यादा मतलब वेंसडे को भी मैं मार्केट एनालिसिस अपलोड करूं, तो इस वीडियो पे 35 से ज्यादा लाइक्स कर देना, तो मैं वेंसडे को भी मार्केट एनालिसिस अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा, एंड कीप वॉचिंग। दिस इज दिव्यम पराशर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।